मुकाबला करते उलमाए देवबंद का, तंकीद करते उलमाए देवबंद को, जाओ हुसैन अहमद मदनी को पढ़कर देखो। आप अंग्रेज की अदालत में खड़े हैं, अंग्रेज जज कहता है आपने फतवा दिया है अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है, हराम है। फरमा दिया क्या होती है? अब देता हूँ, देता रहूंगा जब तक हुसैन अहमद मदनी के मुंह में जुबान बाकी है, सीने में कुरान बाकी है। मैं कहता रहूंगा अंग्रेज तेरी फौज में भर्ती होना हराम है, हराम है। मौलाना जौहर कदमों पे गिर पड़े, हजरत बयान बदल दो। फरमाया जौहर बयान बदलता हूँ ईमान बदल जाएगा। अंग्रेज जज कहने लगा आपको पता है ऐसी बगावत वाली तकरीर की सजा क्या है? फरमाया तुम बताओ। उसने कहा मेरी कलम के अंदर बड़ी कुव्वत है, ऐसी बगावत वाली तकरीर की सजा तख्तेदार है, फांसी है। मौलाना ने ब्रीफ केस खोला, सफेद कपड़ा निकाला, अदालत में लहरा कर कहने लगे ओ अंग्रेज जज तुम्हें इल्म होना चाहिए, हुसैन अहमद जब दुर्बम से आ रहा था तो कफन का कपड़ा भी साथ ले आया था।